ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? केरल के वायनाड में तेज बारिश की वजह से सोमवार देर रात चार अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हुए लैंडस्लाइड में चार गांव बह गए। मुंडक्कई, चुरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा में घर, पुल, सड़कें, गाड़ियां सब कुछ बह गया। अब तक 93 लोगों की मौत की खबर है। 116 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और 400 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। घटना देर रात 2 बजे हुई। रेस्क्यू के लिए SDRF और NDRF की टीम मौके पर मौजूद है। कन्नूर से आर्मी के 225 जवानों को वायनाड के लिए रवाना भी कर दिया गया। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए भेजे गए, लेकिन बारिश के चलते उन्हें कोझिकोड लौटना पड़ा। सेना के स्पेशल डॉग यूनिट के ट्रेन डॉग्स, जिसमें बेल्जियन मेलिनोसाइस, लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड जैसी नस्लें शामिल हैं, वायनाड में भूस्खलन प्रभावित मेपाड़ी के लिए रवाना किए गए हैं। इधर केरल सरकार ने इस हादसे के बाद राज्य में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी कर डाली है। 5 साल पहले दरअसल इसी इलाके में लैंडस्लाइड हुआ था और 17 मौतें हुई थी। वायनाड के चार गांव मुंडक्कई, चुरलमाला, अट्टामाला और नूलपुझा में लैंडस्लाइड की घटना हुई है। 5 साल पहले 2019 में भी भारी बारिश की वजह से इन्हीं गांवों में लैंडस्लाइड हुई थी, जिसमें 17 लोगों ने जान गंवाई थी और 5 लोगों का तो आज तक पता नहीं चला। 52 घर तबाह हुए थे। मुंडक्कई गांव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, यहां पर 250 लोग फंसे हुए हैं। वायनाड का मुंडक्कई गांव लैंडस्लाइड की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहां पर रेस्क्यू टीम अब तक पहुंच भी नहीं पाई। NDRF की एक टीम पैदल चलते हुए यहां तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है। मुंडक्कई में करीब 250 लोगों के फंसे होने की खबर मिल रही है। यहां पर कई घर तबाह हो गए और 65 परिवार यहां पर रहते थे। पास ही में एक टी स्टेट के 35 कर्मचारी भी लापता बताए गए। जिला पंचायत अध्यक्ष शमशाद मरक्कई ने बताया है कि मुंडक्कई सड़क मार्ग से पहुंचा ही नहीं जा सकता है। मोबाइल नेटवर्क ठप हो चुका है। चुरलमाला गांव में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और रेस्क्यू जारी है। यहां पर कई घर बहे हुए हैं और कई लोगों को बचाया गया है, जिनमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। ये एक होम स्टे में रुके हुए थे विदेशी, जहाँ पर रेस्क्यू टीम एक एक घरों की जाँच करने में जुटी हुई है। इधर मौसम विभाग जो है उसने आज भी वायनाड के अलावा कोझिकोड, मलप्पुरम और कासरगोड में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि आज भी यहां पर भारी बारिश होने की संभावना है और इसकी वजह से जाहिर सी बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत भी आ सकती है। वैसे वायनाड लैंडस्लाइड के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कंट्रोल रूम बना दिया है और इमरजेंसी हेल्थ सर्विस के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इधर केरल की स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक वैथिरी, कलपट्टा, मेपाड़ी और मनंतवड़ी अस्पताल अलर्ट पर आ चुके हैं और इसके साथ ही केरल के स्वास्थ्य मंत्री के ऑफिस ने बताया है कि वायनाड के चुरलमाला में घायलों का इलाज करने के लिए एक मस्जिद और मदरसे में टेम्परेरी अस्पताल भी बना दिया गया है। कोझिकोड जिले के सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा सभी ग्रेनाइट खदानों को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए भी कह दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड में लैंडस्लाइड में मारे गए लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने केरल सरकार को केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है और इस हादसे में मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भी की गई है। घायलों को सरकार 50,000 रुपये देगी। उधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वायनाड की घटना पर सरकार से हर संभव मदद पहुँचाने की अपील भी की है। वे कल वायनाड का दौरा करने वाले हैं। दरअसल वायनाड केरल के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है और ये केरल का एकमात्र पठारी इलाका है, यानी कि मिट्टी, पत्थर और उसके ऊपर उगे पेड़ पौधों के ऊंचे नीचे टीलों वाला इलाका इसे माना जा सकता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2021 की ये रिपोर्ट बताती है कि केरल का 43% इलाका लैंडस्लाइड प्रभावित है। वायनाड की 51% जमीन पहाड़ी ढलान है, यानी कि लैंडस्लाइड की संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमेशा से बनी रहती है। वायनाड का पठार वेस्टर्न घाट में 700 से 2100 मीटर की ऊंचाई पर है और मॉनसून की अरब सागर वाली ब्रांच देश के वेस्टर्न घाट से टकराकर ऊपर उठती है और इसीलिए इस इलाके में मॉनसून सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। दरअसल वायनाड में काबिनी नदी आती है और इसी सहायक नदी इसकी है मनंतावड़ी और चोटी से ये निकलती है। लैंडस्लाइड के कारण इस नदी में भी बाढ़ आने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है।